7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पर बैठा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सिर्फ बयानों को कहना गलत होगा, वो अपनी हरकतों को लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें अक्सर महफिलों को लूट लेती हैं और उन महफिलों के लूटे जाने के बाद लोग राहुल गांधी की जमकर बखिया उधेड़ते हैं, ट्रोल करते हैं, मजे लेते हैं। और वो एक दो बयान की बात नहीं है, बल्कि हर बार की बात है। वो संसद में मोदी को जाकर मोदी से गले लगने की बात हो, संसद में आंख मारने की बात हो, या फिर फ्लाइंग किस करने की बात हो, या फिर मेड इन इंडिया की बजाय मेड इन मध्य प्रदेश करने की बात हो, राहुल गांधी हर बात पर ट्रोल किए जाते रहे हैं, लेकिन वो इन गलतियों से सीखते नहीं, बल्कि उसे लगातार दोहराते हैं। राहुल गांधी जिस हिसाब से भाषण देते हैं, उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे वो अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को नहीं मानते। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी राहुल गांधी बोलते हैं, वो बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं। जो आंकड़े देते हैं, वो आंकड़े हकीकत में असल में नहीं होते हैं। उन आंकड़ों को लाते कहां से हैं, उन आंकड़ों की जानकारी कांग्रेस और राहुल गांधी को ही हो सकती है। लेकिन पहले आप ताजा वीडियो देखिए जिसे लेकर राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पर बैठा है। क्यों? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। दोनों वीडियोस को जोड़कर शेयर किया जा रहा है। राहुल गांधी को इस वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे सेलफोन पर बैठा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया, रोजगार उससे छीन लिया और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को देखते रहो, 24 घंटे देखते रहो। और इसी वीडियो में राहुल गांधी फोन चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जबकि मौका था मीटिंग का, एक अहम मुद्दे पर बात चल रही थी, जो संसद में सुरक्षा पर चूक हुई है, उस मामले में सांसद इकट्ठा हुए थे और उस मामले में ये लोग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी अपने फोन में व्यस्त थे। लोग सोशल मीडिया पर इसी को लेकर राहुल गांधी को खूब ट्रोल भी कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, वो बेरोजगार युवा कौन है जिसकी बात हो रही है। एक और यूजर ने लिखा, मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया। वहीं एक और यूजर ने लिखा, राहुल गांधी नैरेटिंग हिज सैड स्टोरी। एक और यूजर ने तो लिख दिया कि बिना सिर पैर की बातें बोलते रहे तो अगले 20 साल तक राहुल गांधी बेरोजगार ही रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी सांसदों के निलंबन पर बात कर रहे थे, क्योंकि सदन से 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि विपक्षी सांसद सदन के कामकाज को चलने नहीं दे रहे थे और सदन में हुई सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री अमित शाह से जो है जवाब की मांग कर रहे थे। ये सांसद सदन में तख्तियां लेकर आए थे, सदन में कागज फाड़ रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के नजदीक आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी घटना क्रम में 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनका भाषण तो होना ही था। राहुल गांधी ने पहले तो सदन की सुरक्षा में हुई चूक पर कहा कि वहां पर बीजेपी की हवा निकल गई और बीजेपी जो देशभक्त बीजेपी वाले बताते हैं उनकी हवा निकल गई। सुनिए, पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए, जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। इसके बाद राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर बात करनी शुरू की और बता दिया कि उन्होंने एक सर्वे करवाया है और उस सर्वे से पता चला है कि देश का युवा 7.5 घंटे फोन पर बिताता है। इस उस वीडियो का क्लिप मैंने आपको दिखाया है, अब एक बार आप
पूरा वीडियो भी देख लीजिए। सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी, देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला, 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं, 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। राहुल गांधी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो उसका भी फैक्ट चेक करना जरूरी है, क्योंकि सदन की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसमें एक नीलम नाम की महिला है जो पकड़ी गई है, जिसकी उम्र 42 साल है और इसके पास डिग्रियां भी कई हैं, और अगर उसे 42 साल में रोजगार नहीं मिल सका तो फिर क्या ही किया जा सकता है। अब कुछ बेरोजगारी के आंकड़े भी आपको दिखा देता हूं, जिससे पता चल सके कि बेरोजगारी की हकीकत क्या है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला देश दक्षिण अफ्रीका है, जहां की बेरोजगारी दर 32.8% है। उसके बाद ईरान 9.4%, ब्राजील 8.3%, पाकिस्तान 8.5%, फ्रांस 7.4%, इटली 7.9%, चीन 5.3%, ब्रिटेन 4.2%, अमेरिका 4%, और उसके बाद नंबर आता है भारत का 3.2%। तो ये थे बेरोजगारी के आंकड़े। इन सभी देशों में भारत में सबसे कम बेरोजगारी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद से बेरोजगारी पर फर्क पड़ा है, इस बात को सब मानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि सारा देश बेरोजगार बैठा है और वो 7.5 घंटा फोन चलाता है, सारा दिन युवा फोन चला रहा है, और अगर ऐसा है तो राहुल गांधी उस सर्वे को भी देश के सामने रखें जो उन्होंने करवाया है। लेकिन ऐसा एक बार नहीं, हर बार देखा जाता है, जब राहुल गांधी सबूतों के अभाव में कुछ भी बोल जाते हैं और फिर ट्रोल किए जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी को उनके बयान और फोन चलाने वाले वीडियो के साथ ट्रोल किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।